ये गारंटी देता हूँ कि आपको पूरे पीतमपुरा में ऐसी मक्खनी दाल नहीं मिलेगी, एक बार जरूर ट्राई करें। दाल मखनी, दाल मखनी में सबसे पहले आपने बटर डाला, उसके बाद प्याज, हाँ प्याज जीरा, प्याज और जीरा डाले। तो भैया एक आप बात बताओ, आपके ढाबे का नाम क्या है? लक्की ढाबा। लक्की दा ढाबा, और नाम से इतना बढ़िया लग रहा है, आप देख सकते हैं दाल मखनी है, और अभी आप इस पे तड़का लगा रहे अच्छे से। हाँ तड़का बढ़िया लगाएंगे, खाने का मजा लग रहा है। और अब क्या कर रहे हो भैया? अब लगे हुए काम धंधा करने के लिए। अब काम तो लगे हुए, ये देखो यार सब कुछ इन्होंने पहले से ही सब कुछ कट कर रखा है। और ये क्या भैया? हरी मिर्च मिक्सी में पीस रखी है। अच्छा ये मिक्सी में आपने पीस रखी है। अदरक है, प्याज है, जीरा है, आपने सब कुछ अच्छे से कट कर रखा है। ठीक है ये तड़का लगा रहे हैं अच्छे से, आप देख सकते हो। और भैया आप दाल डाल रहे हो? हाँ दाल, ये दाल, ये अभी आपने क्या डाला? टमाटर डाले। ठीक है, और अब धनिया, ये धनिया है। ठीक है, और ये मसाला है? गरम मसाला। ठीक है, अच्छे से आप तड़का लगा रहे हो। और ये डाल रहे हो भैया? ये वहाँ देख सकते हो, ये दाल है, यहाँ पर भैया ने पूरे पहले रेडी कर रखी है, और यहाँ भैया तड़का मार रहे हैं, देखो। ओहो, तो ये काली दाल है, और इसके अंदर आपने पनीर डाला है? पनीर करी, ये मैंने पहली बार देखा है दाल मखनी में पनीर। और ये क्या डाल रहे हो? क्रीम, ये क्रीम है। ठीक है, अरे इससे पकड़ ले, ये देखो ये क्रीम डाल रहे भैया। ओ भाई, ये देखो क्या बढ़िया लग रही है ये दाल। और भैया एक चीज बताओ, आपकी टाइमिंग्स क्या है यहाँ पर? टाइमिंग 11:30 से लेके 4:15 बजे तक। तो भैया ये आप लक्की ढाबे पे आते रहते हो? हाँ बेटा, मैं समझ लो यहाँ पे करीबन 35-36 साल हो गए हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा टाइम है। पहले लक्की के फादर, लक्की के चाचा जी, आज हम लक्की के हाथ की दाल खा रहे हैं, और ये गारंटी देता हूँ कि आपको पूरे पीतमपुरा में ऐसी मक्खनी दाल नहीं मिलेगी, एक बार जरूर ट्राई करें और जरूर खाएं। और 10 में से कितनी है? मेरे हिसाब से 10 में से 10 है, पूरे नंबर। लक्की बाप, अब मुंडे नु अपना इंट्रो दे यार, अपना जानकारी दे पहले, कितो है तू? पूरी स्टोरी बताओ। पूरी स्टोरी गुरदासपुर। अच्छा, जन्मभूमि गुरदासपुर है। ठीक है, और मेरे बापू ने भी ढाबे का काम किया, बापू दे मुंडा भी ढाबे का काम कर रहे हैं। अच्छा, तो उन्होंने सबने ढाबे का काम? हाँ ढाबे का काम कर रहे हैं, मजे ना कर रहे हैं। बहुत अच्छा, और दाल रोटी भगवान की कृपा ना मिल रही है, मिलती रही है, बहुत बढ़िया जी। लक्की बाजी बहुत बढ़िया। तो भैया आप लच्छा पराठा बना रहे हो? ये देखो ये लच्छा पराठा है, पंजाबी पराठा। ये देखो, ओहो लच्छा पराठा, जानदार पराठा। आपने तो क्या बढ़िया बढ़िया नाम दिए हुए हैं। ये देखो, ये भैया आपने क्या डाला है इसके ऊपर? कसूरी मेथी। अब अजवाइन। ठीक है भैया, ये जो लच्छा पराठा है इसमें कितनी लेयर है? लेयर मतलब कितने फोल्ड कर रहे हो? कितनी बार ऐसे गोल गोल घुमा? नौ बार है। ठीक है, अब 9 बार इसकी लेयर्स है। पराठा बढ़िया बनेगा, वो तो पहले ही पता चल रहा है शक्ल देख के ही। तो ये देखो, ये तंदूर में डाल रहे हैं, एक गया अंदर, वो देखो तंदूर एकदम अंदर, अब ये एकदम क्रिस्पी बाहर आएगा। ये देखो, ये लच्छा पराठा निकला है भाई साहब, क्या बढ़िया लग रहा है ये लच्छा पराठा, देखो। ओ वाह, ये देखो दाल मखनी साथ में लच्छा पराठा आ चुका है, देखो क्या क्रिस्पी लग रहा है। ये देखो जैसे चूर चूर नान की तरह, ओ ऐसे ऐसे कर लो,
ये बड़ी सी वाइट लूंगा मैं थोड़ी, ये देखो गरम है बहुत क्योंकि एकदम तंदूर से आया है, ये देखो वो दाल भी बहुत गरम। बहुत ही बढ़िया, ये दाल पे जरा फोकस करो, ये देखो क्या बढ़िया दाल है, ये देखो आप कितना क्रिस्पी है, और ये ऐसी दाल बहुत कम मिलती है, एकदम पंजाबी दाल है ये। ये देखो दाल मखनी साथ में लच्छा पराठा आ चुका है, देखो क्या क्रिस्पी क्रिस्पी लग रहा है, ये देखो ओहो, ये देखो जैसे चूर चूर नान की तरह, ओह ऐसे ऐसे कर लो, ये देखो ये बड़ी सी वाइट लूंगा मैं थोड़ी, ये देखो गरम है बहुत क्योंकि एकदम तंदूर से आया है, ये देखो ओहो दाल भी बहुत गरम। बहुत बढ़िया, ये दाल पे जरा फोकस करो, ये देखो क्या बढ़िया दाल है, ये देखो आप कितना क्रिस्पी है, और ये ऐसी दाल बहुत कम मिलती है, एकदम पंजाबी दाल है ये। तो मैंने सोचा खाते खाते लोकेशन बता देता हूँ, तो मैं हूँ अभी KU ब्लॉक पीतमपुरा में, और यहाँ एकदम सामने है NDPL बिजली घर, और एकदम उसके सामने आपको लक्की दा ढाबा दिख जाएगा। तो यार कैमरे के सामने इतना खाया नहीं जाता, तो इसलिए अभी फटाफट इसे बंद करते हैं, तब तक आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और एक ऐसे फ्रेंड को टैग करो जिसको लच्छा पराठा और दाल बहुत अच्छी लगती है।